भाजपा रायपुर जिला व व्यापार प्रकोष्ठ ने आज राजधानी में निगम द्वारा लिए जा रहे यूजर चार्ज के विरोध में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया को ज्ञापन देकर उसे खत्म करने की मांग की। भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने कहा, वर्तमान समय में व्यापारी कोरोना काल की परेशानियों से उबरने का प्रयत्न कर रहा है। ऐसे समय में एक नया करारोपण उनके लिए झटके के समान है। आज जब जनता कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए वादे के अनुसार संपत्ति कर आधा करने का इंतजार कर रही है, कांग्रेस उल्टा कर रोपण कर अपने वादे से मुकर रही है। उन्होंने मंत्री महोदय से मांग की कि उक्त कर हटाया जाए, अन्यथा भाजपा इसके विरोध में आंदोलन करेगी। ज्ञापन के जवाब में नगरी प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने सहानुभूति पूर्वक विचार कर कर में राहत देने का आश्वासन दिया है। भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी, जो व्यापारियों से वसूल किया जा रहा है करीब करीब 600, 700, 800 रुपए महीने, अलग अलग प्रकार के स्लैब में छोटे से छोटे व्यापारी से भी 400, 500 रुपए वसूल किया जा रहा है महीने का, और ऐसा करके करीब बड़े 20,000 दुकानदार पूरे राजधानी में हैं जो 1,000 फीट से ऊपर के दुकान चला रहे हैं। अगर हम उन 20,000 दुकानदारों से जो वसूली की जा रही है वो 20 करोड़ रुपये सालाना करीब करीब व्यापारियों से वसूल कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी इनके पास है नहीं किसी भी व्यापारिक क्षेत्र में। मान लो मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक पंडरी क्लास मार्केट में 500 कपड़ा के व्यापारी होंगे जिनकी दुकान 1,000 फुट से ऊपर होगी, वहां पे भी 10 कर्मचारी से ऊपर नहीं है। अगर ये पूरे व्यापारिक संस्थानों में 10 दुकान के पीछे भी एक कर्मचारी लगाते हैं, एक सफाई कर्मी लगाते हैं, तो 5 करोड़ से ऊपर का खर्च नहीं होगा। ये यूजर चार्ज के नाम से जो अकेले व्यापारियों से वसूल कर रहे हैं वो 20 करोड़ रुपए से अधिक कर रहे हैं। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, हमारी सरकार में 2017 में भी ये कानून आया था, इसको पास किया था, लेकिन हमारी सरकार ने इसको वसूल नहीं किया था क्योंकि व्यापारियों का विरोध तब भी था, व्यापारियों का विरोध अभी भी है। 3 साल से इस सरकार ने यूजर चार्ज लिया नहीं, अचानक ये यूजर चार्ज, 4 प्रकार के टैक्स नगर निगम व्यापारियों से वसूल करी, एक लाइसेंस लिया जा रहा है, दूसरा प्रॉपर्टी टैक्स आधा करने की बात की थी लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स आधा तो नहीं किया, बढ़ा के प्रॉपर्टी टैक्स लिया जा रहा है, उसके बाद एक नया यूजर चार्ज का बम व्यापारियों के ऊपर फेंक दिया। हम लोगों ने कहा है कि आप इसको सहानुभूतिपूर्वक विचार करिए, मंत्री जी ने कहा है कि मैं इसका युक्तिकरण करूँगा, इसको कम करूँगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। लेकिन अगर ये यूजर चार्ज के मामले में जो यूजर चार्ज व्यापारियों से वसूल किया जा रहा है अगर ये प्रस्ताव यही रहा तो भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ सड़क पे उतर के संघर्ष करेगी। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया, श्रीचंद सुंदरानी जी और व्यापारी संघ के लोग आए थे, उन्होंने अपना जो यूजर चार्ज होता है उसके संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है कि व्यापारियों को यूजर चार्ज कम करना चाहिए। हमने कहा कि इस संबंध में विचार करेंगे, ये तो 2017 के भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसी समय इन लोगों ने यूजर चार्ज के लिए विधानसभा में लाके एक्ट पारित किया है और जो इनकी दरें तय की है उसी समय की दरें तय की हुई है, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी कहा है कि यूजर चार्ज लेना है और ये यूजर चार्ज हमारे छत्तीसगढ़ में पूरे देश में लिया जा रहा है। अब हमारे यहाँ यूजर चार्ज की रेट जो है मध्य प्रदेश से बहुत कम है, अधिकतम चार्ज जो है वो 600 से ज़्यादा नहीं है हमारे यहाँ। मध्य प्रदेश में आवासी का 150 रुपये प्रति माह लेते हैं, हमारे यहाँ आवासी का 60 रुपये ले रहे हैं, उससे सीधा है, बहुत कम रेट है। मध्य प्रदेश में 150, हमारे छत्तीसगढ़ में मात्र 60 रुपया। व्यावसायिक में मध्य प्रदेश में 180 रुपया प्रति माह लेते हैं और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 120 रुपये प्रति माह, तो हमारे यहाँ ऑलरेडी अन्य राज्यों से कम है, दिल्ली से कम है, इंदौर से कम है, मध्य प्रदेश से कम है, लेकिन अब व्यापारी लोग बोल रहे हैं तो क्या इसमें उन लोगों को मदद दी जा सकती, देखेंगे और जो संभव होगा मदद जरूर करेंगे। बाहरी में फोटो भी ज्यादा बढ़िया, ज्यादा अच्छा था, पहले ही बोला था मैं तो ऐसे बाहर एक बार चर्चा कर लेते हैं फिर बाहर फोटो भी खिंचवा लेते हैं। मंत्री जी, हम लोग आपसे निवेदन करने आए हैं, ये रमेश ज्ञापन पढ़ के बताए, यही है, हाँ वही ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ।
यूजर चार्ज के मामले में है, हम चाहते हैं कि व्यापारियों की हालत जो अभी है, ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं। नहीं नहीं ज्यादा, ये तो आप ही लोग बनाया 2017 में यूजर चार्ज, हम थोड़ी बनाए, आप लोग जो नियम बनाए तो उसी का पालन करवा रहे हैं। 2017 में हमने वसूली नहीं किया, मैं भी उस वक्त विधायक था, तो हम कहा कर रहे थे। 2019 में जब एनजीटी का एसबीएम का निर्देश आया कि अनिवार्य रूप से यूजर चार्ज लेना है हमारी सरकार, और अगर सुनो ना, अगर नहीं लेंगे यूजर चार्ज तो जितने सरकारी केंद्र गवर्नमेंट की जो सब्सिडी वगैरह उसको बंद कर देंगे, तो इसलिए हमको लेना पड़ रहा है यूजर चार्ज, हम तो ले ही नहीं रहे। इतना अधिक आप देखिए, अधिक नहीं, आप लोगों ने बनाया, कोई पैसा हम बढ़ाए नहीं है, वो आपके बीजेपी गवर्नमेंट के समय ही, जो सुनो ना, बीजेपी गवर्नमेंट के समय ही आप लोगों ने जो निर्धारित किया था वही शुल्क हम ले रहे, हमारे तरफ से कोई एक पैसा नहीं बढ़ाया, भाजपा सरकार ने स्थगित कर दिया था, नहीं तो आप ही के सेंट्रल गवर्नमेंट का पत्र है, आपको दिखा देते हैं कि यूजर चार्ज लेना है, एनजीटी का निर्देश है, चलो आप लोग हो गए ना। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.